देखा था तू कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर? यार भैलू, आप सभी को क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा? अबे टाइगर, ये क्या स्प्रे था भाई? हेलो भाई, ये क्या स्प्रे था? मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार? सब बढ़िया हो ना यार? तो आज फिर मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू धमाकेदार गेम प्ले लेके। अब यार बड़े दिनों बाद में इन घर घूलों पर आया था और यहाँ पर सरवाइव करना मेरे लिए हमेशा नमकीन हो जाता है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आखिर मैं यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाऊंगा? चलो देखते हैं। अरे भाई, यहाँ पर तो बहुत खचाखच बंदूकें चल रही हैं यार। बेचारे दोनों मिलके रिवाइव खेल रहे थे, मैंने खेलने ही नहीं दिया। यार मुझे लग रहा है सामने वाले गुलुआ से घर में एक दो बंदे और हैं। चलो चल के देखते हैं, मुझे आभास तो हो रहा है वहां पर कोई तो है। I need a weapon. सॉरी भाई, मैं बताना भूल गया था यहाँ पर कोई है, काश मैं बता देता तो तुम्हारे साथ बल्ले बल्ले ना होता। पाजी देखो, इतने अपा मस्त चंगा होके लूट रहा सी, लेकिन थोड़ी देर बाद सड्डे कोल कोई पैंदा देसी बुआ गिर देता सी। अरे पाजी, तुसी ये क्या कर देता, अपा दोनों मिलके पीन देसी, तुमने तो नीचे गिरा देता। अरे बच गया भाई, यार ये बंदा सड्डी जला देता यार। अरे यार, अरे पता नहीं। कोई नहीं भाई, अभी अपने रिकॉल बाकी है और यहाँ पर यार ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते, साला कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बल्ले बल्ले कर देता सी। देखो मेरा प्राइवेट प्लेन पोचिंकी के ऊपर से जा रहा था, तो मैंने सोचा चलो यार पोचिंकी ही उतर जाते हैं। मुझे पता था पोचिंकी में अच्छी खासी लूट हो जाएगी और यहाँ पर ड्रैगन चाचा के 2-4 अंडे भी मिल जाएंगे। यार अगर मैं आप सभी को सच सच बताऊं तो यहाँ से ये वाले गेम प्ले बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है। एक जगह पर तो मेरे को लगा था भाई बस अब मेरा बचना नमकीन है। खैर जो होगा वो तो आप सभी को पता चल ही जाएगा। और भाई एक जगह पर मैं एक ऐसा स्प्रे मारूंगा जिसे देखने के बाद आप लोग कहोगे टाइगर भाई आज फिर से हमें सेंसिटिविटी दिखाओ। वो बात अलग है, लाइव स्ट्रीम काफी बार दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर आप सभी लोग आज वाला स्प्रे देखने के बाद बोलते हो टाइगर भाई सेंसिटिविटी दिखाओ, तो नेक्स्ट गेम प्ले में पक्का दिखाऊंगा। यार यहाँ पर मैं उतरा ही था लेकिन तभी मुझे कुछ बंदों की पायलों की आवाज सुनाई देती है। ऐसे बताएगा। नाइस, चलो भाई दोनों गए, लेकिन यार मुझे पता नहीं था यहाँ पर इसके भाई बंधु रिश्तेदार सब हैं। एक दो बॉट मारने के बाद हम लोग यहाँ पर ड्रैगन चाचा को बुलाने आ जाते हैं और भाई अब यहीं से होने वाली इस गेम प्ले की शुरुआत, वो भी खतरनाक वाली। चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अरे भाई कौन मार रहा है बे? यार भाई लोग, ये लोग सामने सामने से नहीं खेलते, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ के मारते रहते हैं। अरे वो रहा, दिख गया बंदा। रुक जाओ सालू, आ रहा हूँ शक्तिमान का रूप धारण करके। चलो चलो चलो। हैं ये कौन लेटा? अभी बता था भाई। चलो भाई देखो अपने क्या था। पीछे से बल्ले बल्ले कर दिया। टॉप आरपी जिसके साथ मैंने अभी बल्ले बल्ले करा भाई, ये वाला बंदा तो टॉप आरपी था। अरे लग रहा है इसके टीममेट भी हैं यहाँ पर। नहीं बे, अबे हट, देख नहीं रहा मेरे पास विनाशकारी गन है। कैसा सायो साड़ा साड़ा जबरदस्ती चपट रहा। स्क्वाड हाउस पर कुछ बंदे गाड़ी लेके आ गए थे भाई, इन्होंने हमारे एरिया में घुसने की जरूरत कैसे करी। अरे क्या कर रहे हैं, वेट वेट वेट।
हाँ मार दिया, नॉक हुआ लेकिन वो नहीं डाल पाया। मैं ड्रॉप से वेपन लूटने का ट्राई कर रहा हूँ। चार्ज वाले को बोलो बम्बू फटके लाल की जय है। ऊपर ही फट गया एक और नॉक छत पे। वॉच आउट साला, एक बंदा नॉक नहीं हो रहा, लग रहा है देसी शक्तिमान को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ओ बे स्नाइपर मार दी अल्फा। हट आ रहा हूं नीचे आ रहा हूं नीचे आ रहा हूं नीचे आ रहा हूं नीचे आ रहा। दो बंदे अगर करेगा नेट तो ठीक है। नाइस। अरे मेरी जान सही है। एक बंदा यहां पे मतलब रिकॉल टावर पे गया। थैंक यू भाई। मैंने यहाँ एक बंदे को मार्क द लोकेशन। ये तो नहीं था पता था। अब देखो यार शर्माओ मत, ये वाला सीन देख लिया है और मजा आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। लाइक तो बनता है यार। हमें लग रहा था अपोचिंग की में कोई नहीं बचा तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन भाई अब देखो मेरे साथ क्या होता है। मेरे क्रेट में से लूट लो, बहुत सही लूट है। नीचे पड़ी है। ऐसी कैंपिंग कौन करता है भाई, वो बात अलग है, मैं भी करता हूँ लेकिन इतनी तगड़ी नहीं करता मैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्या मैं यहाँ पर बच पाऊंगा, चलो देखते हैं। नाइस। ओ भाई दोनों को मार दिया, क्या बात है यार। डिजास्टर तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आजा रिवाइव दे दे। आजा भाई डिजास्टर, आजा जल्दी पकड़ पकड़ ले जल्दी से। सुन भाई मेरे बच्चे खुची दिमाग में बहुत ज्यादा खतरीला सा आइडिया आ रहा है, हम लोग जैसे ही रिवाइव होंगे चर्च के पास भाग लेंगे ठीक है। बस भाई होने ही वाला है। हैं छोड़ दी, अबे पकड़ना जल्दी। अबे छोड़ा नहीं है मैंने, तू अपने आप छोड़ा हुआ, मैं तो मूवमेंट भी नहीं दी। अरे भाई अच्छे से पकड़ के रखा कर ना, ऐसे छोड़ा मत कर। नहीं छूटेगा जी। ठीक है डिजास्टर भाई। यहाँ पर मुझे जैसे तैसे रिवाइव मिल जाता है और मैं फटाफट से चर्च के पास आ जाता हूँ। यहाँ आते ही हमें पता चलता है बंदों ने हमारे ऊपर रश कर दिया। ये ले बम ले, इधर आ। यहाँ पे बम ड्रॉप कर लिया, उठा लिया टैक्स के साथ। बंदा है राइट में, लेफ्ट में बंदा है मेरे पास, बैठ। नाइस पूरा डाउन। अब इस बंदे को पता नहीं रस करने की क्या ही चुल भरी थी। अब इसके तीन बंदे बाकी थे और भाई मैंने आप सभी से कहा था ना इस गेम का सबसे मस्त सीन दिखाऊंगा, मतलब वो वाला स्प्रे जिसे देखने के बाद आप लोग सेंसिटिविटी मांगने वाले हो। हम लोग अपनी लैम्बो उठा के सेफ जोन में निकल रहे थे लेकिन तभी हमें पता चलता है तीन बंदे हमारे बगल से वो गोल मटोल वाली कार लेके जा रहे हैं। वो कार है क्या यहाँ जो भी है। और बस अब ये वाला सीन देखो। Nice. एक बजा है। ओपी यार यहाँ पर मैंने जो टनाटन हेडशॉट मारे, सच बताऊं इसे देखने के बाद तो मुझे भी मजा आ गया था। आपको ये वाला सीन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो अगर आपको ये वाला सीन अच्छा लगा तो कमेंट करके ऐसे बताना, टाइगर भाई हमें वो वाला स्प्रे अच्छा लगा, हमें सेंसिटिविटी कोड दे दो ठीक है, ताकि मुझे भी पता चल जाए आप सभी को ये वाला स्प्रे सच में अच्छा लगा। उन वाले बंदों को मारने के बाद हम लोग इधर उधर बंदों की तलाश में भटक रहे थे लेकिन तभी हमें यहाँ पर एक दूसरी गोल मटोल वाली गाड़ी दिखती है तो हमने सोचा इसको ले लेते हैं क्योंकि ये वाली थोड़ी सी डैमेज है। लेकिन तभी ये हुआ। बोरा बोरा बोरा। हाँ ये, अरे ये वाले है। मुझे पता चल चुका था बंदे कहाँ पर हैं तो मैं डिजास्टर को मार्क देता हूँ और बोलता हूँ भाई रिवर्स गियर डाल और मेरे मार्क पर ले ले। ठीक लेके बैठा है। नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी नहीं फटेगी। रुके रुके देख मैं सामने से दूंगा तो ये इसको कुछ नहीं होगी। यार क्या बोलूँ अब मैं, साला 1 HP बच गया फिर से। मारो
अरे ये वाले घर में भी बंदा है, इसमें भी बंदा है, इसमें भी बंदा है। साइनेक, अबे ये यूट्यूबर है, मोंटाज। इसका एक टीममेट और बचा था जो सामने वाले घर में था। देखो यहाँ पर मैंने सोचा जोन आने वाला है तो क्यों ना हम लोग पहले से ही सेफ जोन में जाके बैठ जाए, क्या पता इस बंदे के चक्कर में हम लोग जोन में ही ना फंस जाए। और वैसे भी ये वाला बंदा सेफ जोन में तो आएगा ही। अब मैं और डिजास्टर वहाँ से निकल के हमारी गोल मटोल वाली गाड़ी लेके इस साइड आ जाते हैं। और तभी मुझे यहाँ पर एक कार दिखती है। और भाई अब हमारे साथ जो यहाँ पर होने वाला है आप लोगों को देखने के बाद पता चल ही जाएगा। चिकना हो जाता हूँ स्क्रीन पे, है ना। ऊपर वाला भी टूट गया यार। कुल मिला के बोला जाए यहाँ पर हमारे साथ गैंग बैंग हो गया यार। मुझे पहले M4 की जगह MG3 गन को चलाना चाहिए था लेकिन मैंने गलती कर दी। अगर पहले ही चलाता तो उनकी कार फट जाती। खैर जो हुआ सो हुआ। अब यार आज वाली वीडियो में चिकन डिनर तो नहीं हुआ लेकिन आप सभी को आज वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सभी को आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो मेरी जान। और देखो आप सभी की स्क्रीन पर 2-3 वीडियो आ रही होंगी, अगर आप सभी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियो पर टैप करके ये वाली वीडियो भी जरूर देखना। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।